टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कुछ महीनों पहले कार एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे और उस एक्सीडेंट में पंत काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी वजह से वो अब टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। ऋषभ पंत चोटिल होने की वजह से अब टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए हैं और सूत्रों की माने तो अब शायद कभी टीम इंडिया के लिए पंत नहीं खेल पाएंगे। आखिर क्या वजह है कि ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी ज्यादा मुश्किल लग रही है, आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को कई बार अपने दम पर जीत दिलाई है और यही कारण है कि टीम से बाहर होने के बाद से फैंस उनकी वापसी जल्द से जल्द कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार एक्सीडेंट में ऋषभ पंत काफी बुरी तरीके से चोटिल हुए थे। दरअसल कार एक्सीडेंट में पंत का लिगामेंट टूट गया था, जिसकी वजह से पंत को दौड़ने में और विकेट कीपिंग के लिए घुटनों पर बैठने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ऋषभ पंत शायद ही पहले जैसे खेल पाएंगे। पंत फिट होने के बाद घरेलू क्रिकेट खेलेंगे और घरेलू में अगर वो खराब प्रदर्शन करते हैं तो उनकी टीम में वापसी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऋषभ पंत ने अपने करियर में अब तक टेस्ट में कुल 33 मुकाबले खेले हैं, जिसके 56 पारियों में उन्होंने 43 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 2271 रन बनाए हैं। वनडे में पंत ने कुल 30 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 34 की औसत से 865 रन उनके नाम है। वहीं T20 इंटरनेशनल की बात करें तो 66 मुकाबलों में 22 की औसत से उन्होंने 987 रन बनाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या ऋषभ पंत टीम इंडिया में वापसी करने में कामयाब होंगे या नहीं।